एक आदमी का मर्डर हो जाता है, पर पुलिस का सारा डाउट उसकी वाइफ पर था। इस केस का जो डायरेक्टर है, यह अपना खुद काफ है और इस केस के बीच में कंफ्यूज हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द स्कारलेट लेटर, ये 2004 की एक कोरियन मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी बहुत सारी जगह पर अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको आपकी सीट के एज पर रखेगी। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर किहून को देखते हैं। किहून एक पुलिस ऑफिसर था और आज एक मर्डर हुआ है, इसी क्राइम सीन पर वो पहुंचता है। क्राइम सीन पर एक आदमी का मर्डर हुआ है, हर जगह पर बहुत सारा ब्लड पड़ा था। किहून अपने फ्रेंड से कहता है कि यही आसपास मर्डर वेपन पड़ा होगा, क्योंकि जनरली मर्डर वेपन क्राइम सीन से नहीं जाता। इस क्राइम को रिपोर्ट करने वाली इस डेड बॉडी की वाइफ थी, इसका नाम है यंग ही। यंग ही को क्वेश्चन पूछने के लिए फिर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। किहून डायरेक्टली उसे पूछता है कि तुमने अपने हस्बैंड को क्यों मारा। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए बाहर गई थी और वापस आई तो डायरेक्टली उसका मर्डर हो चुका था। किहून उसे पूछता है क्या तुम उस पर चीट कर रही थी। यंग ही कहती कि अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं होता तो एक शू शॉप पर जाकर तुम चेक कर सकते हो, वहां पर मैंने शूज पहने थे और पे करना ही भूल गई। और भी क्वेश्चन पूछने से पहले किहून ने उसे कॉफी के लिए पूछा। वो जब बनाने के लिए गया और वापस आया तब तक यंग ही सो चुकी थी। इसके बाद मूवी में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं, इसका नाम है गाही। किहून रात में गाही से मिलने के लिए उसके बार में आया हुआ था। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह हमें किहून का घर दिखाया जाता है और उसकी वाइफ अलग है। इसका मतलब है गाही के साथ उसका अफेयर चल रहा था। आज उसकी और उसकी वाइफ के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। जिस तरीके से अपनी वाइफ से वो बात करता है, इससे हमें पता चलता है कि उनके मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट सीन में सारे पुलिस ऑफिसर यंग ही के हस्बैंड के मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि यंग ही ने बहुत सारे अबॉर्शन करवाए हुए थे जो उसके हस्बैंड को पता नहीं था, शायद उसका कोई अफेयर होगा, हमें इसके बारे में और भी जानना चाहिए। किहून कहता है उस पर नजर रखने के लिए हम कुछ लोगों को लगा देते हैं। किहून को गन का बहुत ही शौक था, इसे डिसमेंटल कर फिर से असेंबल वो सिर्फ 20 सेकंड में कर लेता था। उसके फ्रेंड ने उसे कहा हम कभी भी इस गन का यूज नहीं करते, तुम ये सब चीजें क्यों करते हो। किहून कहता है मुझे गन पसंद है, सिर्फ इसी वजह से मैंने फोर्सेस ज्वाइन की थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंगी से एक बहुत ही सस्पिशियस आदमी एक कैफे में मिलता है। यंगी ने उसे कुछ पैसे भी दे दिए। पुलिस यंगी पर नजर ही रख रहे थे तो सारी बात उन्हें पता चल गई। नेक्स्ट सीन में किहून अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास आया हुआ था। नर्स उन्हें सब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह दिखा दिए। बोलने बोलने में बोल गए कि फिर से अबॉर्शन करना सही नहीं होगा, आप अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसका मतलब किहून की वाइफ ने ऑलरेडी एक अबॉर्शन किया हुआ था, किहून को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगा, पर इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। जिस आदमी को यंगी ने पैसे दिए थे इसे जाकर पुलिस पकड़ लेते हैं। उससे पुलिस ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे पर वो कुछ भी नहीं बताता। किहून ने तो उसे मारा भी था, फिर भी वो कुछ भी नहीं बताता। रात में हम देखते हैं कि किहून का जिसके साथ अफेयर है कि ही, इसे अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। उसने प्रेगनेंसी की टेस्ट ली तो प्रेग्नेंट थी। यंगी के हस्बैंड की ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ चुके थे तो किहून यंगी से मिलने के लिए उसके पास गया। यंगी का एक फोटो स्टूडियो है, वो उसे कहती है अगर आप लोगों का एल्बम देखे तो उसे बहुत सारी चीजें इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि ये फैमिली। यहाँ पर मुझे लगता है कि इनका बेटा मिलिट्री में होगा, जब वो वापस आया तो सारी फैमिली ने वैकेशन ली है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है जो आज बहुत ही ऑकवर्ड है। यंगी अपने हस्बैंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी तो किहून उस पर चिढ़ जाता है। कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, हार्ट अटैक आया उसकी आर्टरी बर्स्ट हो गई, इसी वजह से सारा ब्लड पड़ा था। यंगी कहती है मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पर हम इसे ओवरलुक कर देते हैं। क्या कभी तुमने अपनी वाइफ को हेट किया है। मैं भी अपने हस्बैंड को बहुत ही हेट करती थी, 5 साल हो गए पर फिर भी मेरी फीलिंग्स बदली नहीं। रात में किहून घर पर आया, वो अपनी वाइफ के लिए अच्छा सा कुक करता है। किहून की वाइफ सिहून उसे अबॉर्शन के बारे में बताना चाहती थी पर किहून इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। उसे घर पर घी का कॉल आया, उसे मिलना चाहती थी पर किहून ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। यंगी का अफेयर है या नहीं इसके बारे में पुलिस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे तो यंगी ने डायरेक्टली किहून को अपने अफेयर के बारे में बता दिया। वो कहती कि एक आदमी मेरे स्टूडियो में आया हुआ था, उसने मेरी फोटो ली, वो मुझसे फ्लर्ट करता था। उसने एक फोटोशूट किया जिसमें उसने सिर्फ अपने पैरों की फोटो ली, इसके बाद उसके हाथ उसका चेस्ट इस तरीके से वो फोटोशूट करता था, हर वीक वहाँ आया करता था। वो एडमिट करती है कि स्टूडियो में उसे बहुत ही अकेला महसूस होता था तो जब वो आता तो उसे बहुत अच्छा लगता, उसकी कंपनी के लिए वो थैंकफुल थी। इसी तरीके से इनका अफेयर हो गया था। एक दिन फिर जब यंगी का हस्बैंड स्टूडियो में था तो उस आदमी ने जो फोटोज यंगी की ली थी ये उसने पकड़ ली। एक फोटो में आई लव यू यंगी ये भी लिखा हुआ था। इस बात पर यंगी और उसके हस्बैंड के बीच में फाइट हो जाती है, वो वैसे ही वहां से भाग गई थी। जब वो वापस आए तो उसके हस्बैंड का मर्डर हो चुका था। ये सब सुनने के बाद रात में किहू अपनी वाइफ के कंसर्ट पर जाता है, उसकी वाइफ अच्छा सा वायलिन बजाती है। कंसर्ट के बाद एक पार्टी थी और इस पार्टी में गिही भी आई।
गी आकर डायरेक्टली सुहयुन से बात करती है। इससे हमें पता चलता है कि दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स हैं। गिहुन भी गिही को यहाँ देखकर सरप्राइज था। पार्टी में गिही ने गिहुन को कॉल लगाया। उसने कहा कि कोई खोई हुई चीज अगर तुम फिर से पा लो तो जिस तरीके से खुशी होती है, क्या मुझे देखकर भी तुम्हें उसी तरीके से खुशी हुई? बात करते करते वो उसके पास आए। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है हम फर्स्ट टाइम कहाँ इंटीमेट हुए थे? बात करते करते उसके पास आए, कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इन दोनों को पास आता देख सुहयुन ने देख लिया था। किहुन भी गिही के पीछे पीछे गया। किहुन उसे अबॉर्शन करने के लिए कह रहा था, पर गिही इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होके वो यहाँ से चली जाती है। उसने कहा कि तुम हंसी खुशी अपनी वाइफ के साथ रह सकते हो, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ने वाली। अगर मुझे प्रॉब्लम होता तो सुहयुन से मैं तुम्हें कभी शादी करने ही नहीं देती। अगले दिन किहुन फिर से उसे मिलने के लिए आया, उसे वो सॉरी कहता है। इन दोनों में बहुत फाइट हुई, रोते रोते एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट होने लग जाते हैं। गिही ने उसे पूछा, क्या तुम सुहयुन से प्यार करते हो? किहुन ने कहा कि मैं उसे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। किहुन अपने सफाई में कहता है, मैं सुहयुन के लिए तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे साथ होने के बाद मैं अपनी मैरिड लाइफ में खुश रह सकता हूँ। गिही हमेशा किहुन को अपने पास चाहती थी, उसका दिल चाहती थी। वो आज रात उसे उसके साथ रुकने के लिए कहती है, पर किहुन रुक नहीं पाता। प्रीवियस सीन में यंगी ने जिस आदमी के साथ उसका अफेयर हुआ है इसके बारे में बताया, वो एक्चुअल में कंट्री से बाहर था। जब वो वापस आता है तो किहुन उसे डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। किहुन ने उसे पूछा कि तुमने यंगी की पिक्चर्स क्यों लिए थे? इस आदमी का नाम है जंग। जंग कहता है किसी के न्यूड फोटोज लेना कोई भी क्राइम नहीं है, पर यंगी ने न्यूड पिक्चर्स के बारे में कुछ भी बताया नहीं था। इस बात में किहुन इंटरेस्टेड हो गया। वो कहता है कि अफेयर कैसे हुआ, इसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। जंग ने कहा कि मैं फोटोशूट करने के लिए हमेशा स्टूडियो में जाया करता था। यंगी को मैं पसंद था तो हमेशा मुझसे वो फ्लर्ट करती थी, मुझे भी अच्छा लगने लग गया था। एक रात उसने मुझे बुलाया, उसने कहा कि मेरा हस्बैंड आज घर पर नहीं है तो उसका न्यूड फोटोशूट उसे करना था। मैंने उसका फोटोशूट तो किया पर हमारे बीच में कुछ भी हुआ नहीं था। इसके बाद रात में गाही किहुन को अपने अपार्टमेंट में कॉल कर दिया। किहुन की जगह पर सुहयुन वहां पर पहुंच गई थी। वो गिही को कन्फ्रंट कर दिया। ये सब उनकी बातचीत चल रही थी तभी सुहयुन बाहर आ गया। किहुन, गाही और सुहयुन ये सारे एक दूसरे के सामने आ गए थे। सुहयुन ने किहुन से कहा कि अब मुझे डिवोर्स चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किहुन फिर से केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यंग ने जिस आदमी को पैसे दिए थे उस आदमी के घर में वो घुस गया। यहाँ पर उस आदमी की गर्लफ्रेंड के साथ वो फोटो देखता है। वो आदमी फरार था तो किहुन ने उसकी गर्लफ्रेंड से बात की। गर्लफ्रेंड ने कहा कि यंगी के हस्बैंड ने मुझे बाय करने का ऑफर दिया था, वो चाहता था कि मैं उसे बेबी दूँ, इसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे देने वाला था। ये बात उसके बॉयफ्रेंड को अच्छी नहीं लगी। बॉयफ्रेंड को भी यंगी के हस्बैंड ने यंगी पर नजर रखने के लिए हायर किया था। जब यंगी के हस्बैंड को पता चला कि उसका अफेयर चल रहा है तो इस बॉयफ्रेंड को बहुत डांटता है। बॉयफ्रेंड वैसे भी यंगी के हस्बैंड पर बहुत ज्यादा गुस्सा था तो डायरेक्टली उसने एक चीज ली, उसके सर पर वो मारता है। सर पर मारने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए और इसी वजह से यंगी के हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था। ये सब पता चलने के बाद किहुन उसे अरेस्ट कर लेता है, उसे लॉन्ग टर्म सजा भी होगी। इस केस को सॉल्व करने की वजह से किहुन को मेडल दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किहुन सुहयुन के साथ ही घर में रह रहा था, उसके लिए गिफ्ट वगैरह लाता है। उसे अवार्ड मिलने के बाद उसके साथ गाही थी। आज गाही का बर्थडे है पर किहुन इसके बारे में भूल गया था। ये दोनों एक लेक के पास आते हैं। किहुन अपनी वाइफ को एक प्रेजेंट देना भूल गया था, यही प्रेजेंट उसने गाही को दे दिया। वो कार के ट्रंक में बैठी थी और उसे किस करने लगती है। उसने मजाक में गिहू को अंदर खींच लिया और उनकी गाड़ी की ट्रंक बंद हो जाती है। ये दोनों इसमें लॉक्ड हो गए और ये बाहर भी निकल नहीं पा रहे थे। गाही ने मजाक में कहा कि अगर हमारी यहाँ डेथ हो गई तो सबको लगेगा कि हमने दोनों मिलकर सुसाइड कर ली है। ये सुनकर गिहून को बहुत ही सफोकेटेड लग रहा था। यहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर कुछ भी कर नहीं पाता। एक दिन बीत गया पर फिर भी वो घर नहीं आया था तो सुहयुन ने पुलिस को कॉल कर दिया था। गाड़ी में किहुन और गाही की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। गाही कहती कि मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो, फाइनली मेरी ये विश कम्प्लीट हुई है। ये गाड़ी के ट्रंक में ही सुबह एक साथ उठे। किहुन यहाँ मरना नहीं चाहता था, वो अपनी गन लेकर ट्रंक को बहुत शूट करता है पर फिर भी बाहर निकल नहीं पाता। अचानक से गाही को ब्लीडिंग होने लग गई, उसे यही पर मिसकैरेज होने लग गया था। गाही ने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिए इस डिसीजन को रिग्रेट कर रही थी। हमें पता है कि गाही और सुहयुन ने दोनों एक साथ कॉलेज में थे, तो अब हुआ क्या था इसके बारे में हमें पता चलता है। एक्चुअल में सुहयुन ने गाही की स्टूडेंट थी, तभी उन दोनों में अफेयर हो गया था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। उस वक्त किहुन ने गाही का बॉयफ्रेंड था। सुहयुन को लगा कि अगर किहुन ने गाही से शादी कर ली तो बहुत ही अकेली पड़ जाएगी, तो इसी वजह से उसने किहुन के साथ अफेयर कर लिया, उसके साथ शादी कर ली। हम देख सकते हैं कि सुहयुन और गाही इन दोनों ने जो भी डिसीजन लिए ये दोनों इसे रिग्रेट कर रही थी। किहुन और गिही ये ट्रंक में ही थे और इसके बाद एक दो दिन बीत गए। उसके बाद पुलिस को इनके बारे में पता चला। उन्होंने जब डिक्की खोली तो किहुन अब भी जिंदा था। ब्लीडिंग की वजह से गाही की डेथ हो चुकी थी। बाहर निकलने के बाद किहुन बहुत रोता है।
उसने जो भी किया इस सारी बात पर उसे पछतावा आ रहा था। यंगी के हस्बैंड के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीहून को पता चला कि एक्चुअल में मर्डर का टाइम ये जरा लेट था। उस आदमी ने यंगी के हस्बैंड को जब मारा उसके बाद 1 घंटे के बाद यंगी के हस्बैंड की डेथ हुई थी। इस बारे में वो बहुत सोचता है और फिर वो यंगी के पास आया। यंगी भी इस बात को एडमिट करती है कि जब वो ग्रोसरी स्टोर से वापस आए तो उसका हस्बैंड जिंदा था, अगर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती तो जी सकता था, पर यंगी ने उसे मार डाला। किहून ने जिस आदमी को जेल में डाला है वो ऑलरेडी जेल में जाकर आया था, तो किहून को लगता है कि फिर से जेल में रहना उसके लिए ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होगा। वो यंगी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। किहून ने भी पुलिस का जॉब अब छोड़ दिया था। यंगी का जंग के साथ अफेयर था। जंग ने यंगी के लिए एक फोटो में आई लव यू लिखा था। ये फोटो किहून फिर से यंगी को देता है, कहता है कि वो अब भी तुमसे प्यार करता है, तुम अगर चाहो तो उसके पास जा सकती हो। यंगी कहती है अगर मैं उसे प्यार करती हूँ तो फिर भी मैंने जो भी किया क्या सब कुछ सही था, क्या सारे मेरे क्राइम्स माफ हो गए। किहून ने खुद प्यार में बहुत सारी गलत चीजें की तो इसका वो आंसर नहीं दे पाता। उसके गलत डिसीजन की वजह से वो पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका था। वो रात में घर आकर बहुत रोता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी एक पॉइंट प्रेजेंट करती है कि प्यार में लोग गलत चीजें कर सकते हैं पर फिर भी उन्हें उसे भुगतना पड़ता है। फाइनली किहून अकेला पड़ चुका था। यंगी अपने हस्बैंड के मर्डर के गिल्ड में जी रही है। इस गिल्ड में जीना भी एक सजा से कम नहीं था। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं।